जब भी कोई पत्नी मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस दायर करती है तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दायर करती है। और सीआरपीसी का सेक्शन 125 ये प्रोविज़न करता है कि एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस का केस वहाँ पर दायर कर सकती है जहाँ पर वो रहती है, या फिर जहाँ पर उस पत्नी के माँ बाप का घर है और वो वहाँ पर रहती है, या फिर आखिरी बार वो अपने पति के साथ जिस जगह पर रहती थी वहाँ की कोर्ट में वो मेंटेनेंस के लिए केस को दायर कर सकती है। कुछ इसी तरह का केस आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जहाँ पर यह डिसाइड करना था कि क्या मेंटेनेंस का केस वहाँ से भी दायर किया जा सकता है जहाँ पर पत्नी कभी कभार रहती है, या फिर ऐसा केस वो पत्नी अपने मायके से दायर कर सकती है जहाँ वो कभी कभार जाती है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 126 रहने की जगह को डिफाइन करता है और ये डिफरेंस बताता है कि रहने की जगह और कभी कभार जाकर रहने की जगह में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आज हम बात कर रहे हैं केस निर्माण सागर वर्सेस श्रीमती मोनिका सागर चौधरी एंड अनदर केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच कर रही थी। हाई कोर्ट में पति ने एक याचिका दायर करके ये रिक्वेस्ट की थी कि फैमिली कोर्ट में उनके तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया जाए। मामला ये था कि पत्नी ने उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट ग्वालियर के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए एक आवेदन किया था, जिसमें उसने अपने नाबालिग बच्चे और अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड की थी। पति ने पत्नी के खिलाफ याचिका दायर करके ये रिक्वेस्ट की थी और ये तर्क दिया था कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती है, लेकिन उसने जो केस दायर किया है वो ग्वालियर फैमिली कोर्ट से दायर किया है। उनकी शादी भोपाल में हुई थी और आखिरी बार वो भोपाल में साथ रहते थे। पति ने कहा कि उसने ग्वालियर में केस इसलिए दायर किया क्योंकि उसके माता पिता वहाँ रहते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ ना रहकर दिल्ली में रहती है। पति ने कोर्ट में ये दलील भी दी थी कि पत्नी ने अपना पता दिल्ली का बताया था और ये भी बताया था कि वो वहाँ पर काम करती है। इसलिए याचिकाकर्ता पति ने ये कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि वो ग्वालियर की निवासी नहीं है और वहाँ से उसे केस भी दायर नहीं करना चाहिए। लेकिन पत्नी ने कोर्ट में ये जवाब दिया कि जब वो अपने पति से अलग हुई तो वो ग्वालियर में अपने पैतृक घर चली गई थी और वो दिल्ली में सेवा दे रही है, जबकि उसका स्थायी पता ग्वालियर का ही है। इसलिए उसने ये तर्क दिया कि निचली कोर्ट के पास उसके आवेदन को सुनने का पूरा अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा और ये कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 126 के तहत अगर हम रहने की जगह को डिफाइन करें तो वहाँ पर ये प्रोविज़न किया गया है कि रहने की जगह और कभी कभार जाने की जगह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और यहाँ पर पत्नी ने उस चीज़ को समझने में गलती की है। वो तर्क देती है कि उसका जो स्थायी पता है उसके माता पिता का है और वो उनके साथ वहाँ रहती है, वो कभी कभार अपने माँ बाप से मिलने वहाँ जाती है, और इसलिए फैमिली कोर्ट ग्वालियर के पास सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि वो महिला 2011 से दिल्ली में तैनात है और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के इरादे से ही उसने ग्वालियर में अपना केस दायर किया है। कोर्ट ने के मोहन वर्सेस बालाकांत लक्ष्मी मामले में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें ये कहा गया था कि किसी जगह पर अचानक जाकर रहने लग जाना या फिर कभी कभार जाकर रहना रहने की जगह के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ग्वालियर के पास सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत महिला की तरफ से दायर की गई अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं रहती है। तो हो फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।